हेलो दिस इज क्वेश्चन विच केम इन रिसेंटली कंक्लूडेड जेई एडवांस और ये सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर्स क्वेश्चन है तो देखना द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कैटायन एम ये जो डार्क में लिखे हुए हैं सर्कल्स वो एम है ठीक है राइट right. और जो ये लाइट में है मतलब जो कलर्ड नहीं है राइट सर्कल्स दिस इज एम और ये जो है दीज आर एक्स ये वाली बात क्लियर है ठीक है देन वेन कंपेयर टू द हैज अ स्मॉलर आइनिक रेडियस तो कैटाइन छोटे हैं जनरली होता ही ऐसा है कभी ज्यादातर मतलब यू हैव रेडियस ऑफ कैटाइन इज लेस देन रेडियस ऑफ एनायन राइट ये है देन चूज द करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या बोला है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज एमएक्स देखते हैं तो ये जो येल्लो में है ये एम था राइट right? ये कहां पे रखा था ये एज सेंटर पे रखा हुआ है कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक का वन बाय फोर क्योंकि वो चार क्यूब से सराउंडेड होगा और ऐसे कितने हैं फोर तो फोर इंटू वन बाय फोर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1. X. ये फेस सेंटर पे है राइट right? और कितने हैं दो और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा वन बाई टू तो ये कितना आ जाएगा वन तो m का कॉन्ट्रीब्यूशन वन x का कॉन्ट्रीब्यूशन वन मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला mx मतलब ऑप्शन ए हमारा ठीक है ठीक है और सेकंड सेकंड ऑप्शन तो हम लोग बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जब भी ए बी टाइप की ज्योमेट्री होती है चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल लो राइट ठीक है ना तो उसमें क्या होगा उसमें हमेशा कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ बी होता ही है तो क्लियर कट ये डिफरेंट ज्योमेट्रीज नहीं हो सकती राइट ठीक है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा इसको ऐसे भी देख सकते हैं ऐसा देखो कि जो मैंने एम बताए हैं राइट ठीक है ये एम सपोज मान लो जस्ट मिनट ये दिस इज एम राइट तो क्या होगा इसके आगे भी एक क्यूब होगा है ना यहाँ पे भी एक क्यूब होगा गॉट दिस ठीक है और इस क्यूब में नियरेस्ट नेबर कित इसमें भी कौन से ये जो चार होंगे ये नियरेस्ट नेबर होंगे राइट right? ठीक है ना एक दो तीन चार और पहले भी थे एक दो तीन और ये चार राइट right? ठीक है तो कहने का मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया वो हो गया आठ तो ये जो एम था राइट ठीक है ना जो हमने एम बनाया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है आठ दिखे है? और ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं जो एक्स है उसका भी बता सकते हैं कैसे देखिए अब ये जो है अंडरस्टैंड ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है ठीक है राइट अब ये इस तरफ सराउंडेड है दो ब्लैक वाले स्पीयर से ऐसे ही आगे भी सराउंड होगा Got this, दो से राइट right? ऐसे ही नीचे भी होगा नीचे बैकवर्ड्स नीचे फॉरवर्ड राइट right? ठीक है तो इस तरह से इसके भी कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे गेटिंग पॉइंट तो इसका मतलब कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स इज आर क्लियर ठीक है एंड दे विल बी इक्वल देयर फोर जो बी है वो रॉन्ग है ठीक है बी रॉन्ग है फिर सी पे आते हैं अब सी में या तो हम ये जो देख लें कि डिस्टेंस बिटवीन एम और एक्स जो है ये बेसिकली है क्या ये डायग्नल है डिस्टेंस ऑफ डायगनल लेकिन आधे मतलब जिसकी साइड हो ए बाई टू है ना इफ यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वट इज द डिस्टेंस वट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट जस्ट अ मिनट वट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये क्या है ये क्यूब ही तो है क्यूब का डायगनल ही तो है लेकिन छोटे क्यूब का डायगनल है साइड कितनी है ए बाई टू और वो क्या होता है ए बाय टू रूट थ्री इज अ डायग्नल राइट तो वह डिस्टेंस आएगा अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं मान लो ये हमारा ओरिजिन है जीरो कावा जीरो कौमा जीरो तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए बाई टू जीरो जीरो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए ए बाई टू ए बाई टू ठीक है ना क्योंकि ए चले फिर यहां पे ए बाई टू और फिर ऊपर भी ए बाई टू ठीक है डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो वो होगा ए बाई टू रूट थ्री डिवाइड कर दें साइड से हमको मिल जाएगा पॉइंट एट सिक्स सिक्स मतलब जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है ठीक है अब डी वाले के लिए क्या करें डी वाले में हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज हमको देखनी है पहली बात तो यह है कि प्लस और माइनस मिला के छोटे क्यूब का डायगनल होगा तो पहली इक्वेशन तो है आर प्लस प्लस माइनस इज इक्वल टू ए बाई टू रूट थ्री ठीक है और दूसरा इफ यू इट प्रॉपरली ऊपर दिस इज वॉट ये डिस्टेंस जो है वो ए है एंड दैट इज इक्वल टू वॉट दिस इज टू आर माइनस इज इक्वल टू ए दिख रहा है बिकॉज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा वो ए होगा तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई अब ये दूसरी इक्वेशन कितनी है वो है टू आर इज इस इज इक्वल टू ए तो ये टू को इधर ले जाओ डिवाइड कर दो तो आर प्लस प्लस आर माइनस कितना हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा पॉइंट सेवन थ्री टू मतलब ये जो डी है वो रॉन्ग है तो कुल मिला के बात ये हुई कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट आंसर है वो है ए और सी So A and C is answer for this question. Thank you.